फिल्म रेस 3 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। हालांकि सलमान खान स्टारर और रेमो डिसूजा के डायरेक्शन में बनी इस मूवी की दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स ने भी बुराई की थी। इस दौरान रिपोर्ट्स आई थी कि शूटिंग के दौरान रेमो और सलमान के बीच अनबन भी हुई थी और फिल्म को मिले रिस्पॉन्स के बाद ये डिफरेंस और बढ़ गए थे। इसे लेकर जब रेमो से हाल ही में सवाल किया गया तो उन्होंने अपने और सलमान के रिश्ते पर बड़े ही फ्रैंक अंदाज में जवाब दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेमो ने एक इंटरव्यू में सलमान के साथ रिश्ते बिगड़ने की बात को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि वो आज भी सलमान के साथ अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं और दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी बढ़िया है। वो आज भी मिलते हैं और फिल्म को लेकर भी बात करते हैं। रेमो ने आगे बताया कि उनके पास अभी फिल्म डांसिंग डैड है जिसमें वो सलमान को कास्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी सलमान शूटिंग के लिए वक्त निकाल सकेंगे वो उन्हें इस मूवी में लेना चाहेंगे। हाल ही में बॉलीवुड 2020 में हमने आपको बताया था कि शाहिद कपूर स्टारर जर्सी की शूटिंग चंडीगढ़ में चल रही है। 2 डिग्री के टेम्परेचर में भी शाहिद लगातार शूट कर रहे हैं। इसी बीच खबरें हैं चंडीगढ़ में शूटिंग सेट पर एक सीन को फिल्माते हुए शाहिद के सिर में चोट लग गई। शाहिद को तुरंत ट्रीटमेंट दिया गया। बताया जा रहा है शाहिद को सिर में 13 टाके आए हैं। आपको बता दें फिल्म जर्सी 28 अगस्त 2020 को रिलीज होगी। लासिंग चड्ढा के सेट से लीक हुई फोटोज, आमिर खान और करीना कपूर को पहचान पाना हुआ मुश्किल। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और बेबो यानी करीना कपूर अपकमिंग मूवी लासिंग चड्ढा की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर शूटिंग की कुछ फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं जिसमें दोनों को पहचान पाना मुश्किल है। इन फोटोज में आमिर खान लंबे बाल और दाढ़ी मूंछों में अलग अवतार में दिख रहे हैं तो वहीं करीना सलवार सूट पहने पूरे पंजाबी लुक में दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर आमिर और करीना की फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं। आपको बता दें लासिंग चड्ढा का डायरेक्शन अद्वैत चंदन कर रही हैं जबकि इसे लिखा है अतुल कुलकर्णी ने। फिल्म इसी साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। रणवीर और दीपिका की फिल्म 83 रिलीज होने जा रही है। फिल्म में 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के स्ट्रगल और सक्सेस की स्टोरी को दिखाया जाएगा। फिल्म 83 में रणवीर कपिल देव के रोल में हैं तो दीपिका ने कपिल देव की पत्नी का रोल प्ले किया है। फिल्म को लेकर अक्सर कोई न कोई खबर सामने आती रहती है। इसी बीच हाल ही में रणवीर ने फिल्म 83 का लोगो पोस्टर रिलीज किया। जी हाँ, हाल ही में रणवीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 83 के लोगो की झलक फैंस के साथ शेयर की। लोगो को शेयर करते हुए रणवीर ने कैप्शन में लिखा इट्स कमिंग, जिसका मतलब है फिल्म जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर आएगी। वैसे इसी के साथ ताहिर राज भसीन का भी फिल्म से लुक शेयर कर दिया गया है जिसमें ताहिर सुनील गावस्कर के अवतार में दिख रहे हैं। मलाइका अरोड़ा का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें वो जिम नहीं जाती हो। हाल ही में मलाइका को परफेक्ट जिम लुक कैरी करते हुए देखा गया था। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर बॉलीवुड के पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। जब से इस कपल ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया है तभी से दोनों लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कपल कभी कभी एक दूसरे के साथ अपनी वार्डरोब भी शेयर करते हैं। मलाइका हाल ही में अर्जुन कपूर की ब्लैक कैप कैरी करती हुई नजर आई। जिम के दौरान मलाइका को अर्जुन की कैप में स्पॉट किया गया और मलाइका भी इस कैप को जमकर फ्लॉन्ट करती दिखी। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने फ्राइडे को अपना 46वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर ऋतिक की मां पिंकी रोशन ने ऋतिक की पुरानी पिक शेयर करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर किया। पिंकी रोशन ने ऋतिक के ब्रेन सर्जरी के दौरान की पिक्चर शेयर की और लिखा बिफोर डुगू वॉज गोइंग फॉर हिज ब्रेन सर्जरी आई वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग पैलपिटेशन इन माई हार्ट ब्लड प्रेशर हाई प्रेयर्स ऑन माई टंग आई फील्ड एवरी इंच ऑफ मी वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ शैडो ऑफ कंसर्न। वर्क फ्रंट की बात करें तो क्रिश 4 को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और फैंस ऋतिक को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को पिछले 2 सालों से डेट कर रहे हैं और खबरें हैं कि जल्द ही शादी के बंधन में दोनों बंधने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फरहान और शिवानी 2020 के आखिरी में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दोनों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं मगर अभी तक शादी की डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है। खबरों की माने तो फरहान और शिवानी फिल्म तूफान के रिलीज होने के बाद शादी करेंगे। हालांकि बीते साल से ही दोनों की शादी की खबरें आ रही हैं। पहले आई खबरों के मुताबिक दोनों इस साल अप्रैल या मई में शादी करने वाले हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान न सिर्फ अपनी फिल्मों बल्कि अपने फिटनेस को लेकर भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर सारा अपनी फिटनेस वीडियोस फैंस के लिए शेयर कर फिटनेस गोल्स भी सेट करती हैं। हाल ही में सारा ने अपने फैंस के लिए एक और वीडियो शेयर किया जिसमें सारा जिम में एक्सरसाइज करती दिख रही हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा जल्द ही कार्तिक के साथ इम्तियाज अली की फिल्म आजकल में नजर आएंगी।
वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म स्ट्रीट डांस 3D के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म के ट्रेलर और गाने आउट हो चुके हैं जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि वरुण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो आए दिन अपने फैंस के लिए कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में वरुण ने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर क्वेश्चन आंसर सेशन किया जिसमें फैंस ने उनसे कई तरह के सवाल किए, जिनमें से एक फैन ने वरुण से पूछा उनके टॉप 3 सॉन्ग्स में किस फेवरेट स्टार का सॉन्ग है। इस पर जवाब देते हुए वरुण ने रिप्लाई किया वो फिलहाल जस्टिन बीबर का हालिया रिलीज सॉन्ग यमी को काफी इंजॉय कर रहे हैं। सैफ अली खान की आने वाली फिल्म जवानी जानेमन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस ट्रेलर के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। फिल्म में सैफ के साथ तबू और आलिया फर्नीचरवाला हैं। ये कहानी एक कैसनोवा आदमी की है जिसके घर अचानक से उसकी अनजानी बेटी दस्तक देती है और उसकी पूरी जिंदगी पलट देती है। हाल ही में सैफ की बेटी सारा ने फिल्म के ट्रेलर पर अपना रिएक्शन दिया था और अब उनके एक्स बॉयफ्रेंड कार्तिक ने भी उनके पापा के ट्रेलर पर अपना रिएक्शन दिया है। हाल ही में कार्तिक ने फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। पोस्ट शेयर करते हुए कार्तिक ने कैप्शन में लिखा, लव द ट्रेलर, ऑल द बेस्ट टू द होल टीम। बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कभी थिएटर के बाहर खुद फैंस का रिएक्शन लेने पहुंचते हैं तो कभी गेट क्रैश करते हैं, और अब कुछ ऐसा ही कुली नंबर 1 ने किया है, हमारा मतलब है वरुण धवन ने। फ्राइडे को मुंबई एयरपोर्ट पे हमने वरुण धवन को कैप्चर किया। हाथों में बहुत सारे गुलाब लिए वरुण अपने फैंस को गुलाब बांट रहे थे। फैंस वरुण का ये जेस्चर देख काफी शॉक्ड हुए। बता दें 24 जनवरी को वरुण की स्ट्रीट डांसर रिलीज होने जा रही है। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म स्ट्रीट डांस 3D को प्रमोट करने में लगातार बिजी हैं। वरुण अपनी को स्टार नौरा फतेही के साथ इंदौर के लिए रवाना हुए हैं फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। वहीं सोशल मीडिया पर वरुण का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हाल ही में वरुण अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए जोधपुर पहुंचे थे। ये वीडियो वहीं का है। इस वीडियो में बच्चे वरुण का वार्म वेलकम करते दिख रहे हैं। बच्चे अपने फेवरेट स्टार को देखकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और पिक्चर्स क्लिक करवाते नजर आ रहे हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी को हाल ही में नेपोटिज्म पर किए गए कमेंट के लिए सराहना मिली थी। वो अनन्या पांडे के साथ एक पैनल डिस्कशन का हिस्सा थे और उन्होंने अनन्या को नेपोटिज्म को लेकर बचाव किया था, लेकिन अब सोनम कपूर का इस बात को लेकर एक फैन पर गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने फैन से पूछ लिया, क्या आप पागल हैं? सोनम से एक यूजर ने नेपोटिज्म को लेकर सवाल किया जिस पर सोनम ने जवाब दिया और कहा, आप पागल हो क्या? हमारे माता पिता ने कड़ी मेहनत की है, उन्होंने अपने बच्चों को सब कुछ देने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, लोग इसके लिए उनके बच्चों और माता पिता को क्यों शर्मिंदा करते रहते हैं? प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर हमेशा से ही अपने स्टाइल और लाइफस्टाइल के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में सोनम कपूर ने एक एयरलाइन कंपनी पर अपनी नाराजगी जताई है, जिसके बाद एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने भी उनका समर्थन किया। सोनम कपूर ने कुछ दिनों पहले एक एयरलाइन कंपनी में ट्रेवल किया था। सफर पूरा होने के बाद कंपनी द्वारा सोनम कपूर का बैग गुम गया था, जिससे सोनम काफी भड़क गई थी। ये पहली बार नहीं जब सोनम का बैग गुम हुआ हो, इससे पहले भी सोनम के सामान के साथ लापरवाही ये कंपनी कर चुकी है। सोनम ने अपने ट्विटर अकाउंट से एयरलाइन कंपनी की क्लास लगाते हुए लिखा, ये तीसरी बार है जब मैं इसी महीने इस कंपनी इस एयरलाइन में ट्रेवल कर रही हूँ और दूसरी बार इन लोगों ने मेरा सामान खो दिया। मुझे लगता है मैंने अपना सबक सीख लिया है, अब मैं इनके साथ दोबारा कभी सफर नहीं करूँगी। रवीना टंडन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो आए दिन अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ नया पोस्ट करती रहती हैं। रवीना टंडन ने बॉलीवुड में कई ब्लॉकबस्टर फिल्म दी हैं, जिसकी वजह से लोगों की तरफ से उन्हें खूब प्यार भी मिला है। रवीना जल्द ही KGF चैप्टर 2 में भी नजर आने वाली है। ये फिल्म 2 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। इन सब के बीच हाल ही में रवीना ने अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है। ये पिक रवीना की फिल्म पत्थर के फूल के दौरान की है। पिक में रवीना ऑरेंज कलर के दुपट्टे के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। पिक को शेयर करते हुए रवीना ने कैप्शन में लिखा, थ्रोबैक 1990 द फर्स्ट एवर फोटोशूट ऑन सेट्स ऑफ पत्थर के फूल क्लिक्ड बाय द फिल्म स्टिल फोटोग्राफर #दास। रवीना के इस पिक को फैंस के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स भी बेहद पसंद कर रहे हैं। पिक पर कमेंट करते हुए फराह खान ने लिखा, स्टनर, तो वहीं रोहिणी अय्यर ने लिखा, माय फेवरेट पिक ऑफ योर्स।
क्या उर्वशी रौतेला को ऋषभ पंत ने व्हाट्सएप पर किया ब्लॉक। उर्वशी रौतेला फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर अपने फैंस के साथ अपने हॉट फोटोज और वीडियोस शेयर करती रहती हैं। इस बीच खबरें हैं उर्वशी को इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब इस बारे में उर्वशी से कॉन्टैक्ट किया गया तो उनके स्पोक्स पर्सन ने बताया कि ये फैसला दोनों की आपसी सहमति से लिया गया है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही जब पांड्या ने नताशा स्टेनकोविक से सगाई की पिक शेयर की तो उर्वशी ने कपल को बधाई दी। हार्दिक के पोस्ट पर उर्वशी ने कमेंट किया था, सगाई की बहुत शुभकामनाएं, आपके रिश्ते में हमेशा प्यार और खुशहाली बनी रहे। फिल्मों के साथ साथ अब टीवी की दुनिया में भी डेब्यू करेंगी जरीन खान। जरीन खान ने सलमान की फिल्म वीर से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की गई थी लेकिन वो अपने करियर ग्राफ को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकी। आज जरीन बॉलीवुड फिल्मों में कम ही नजर आती हैं। शायद यही वजह है कि एक्ट्रेस ने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया है। दरअसल खबरें हैं जरीन एक टीवी शो होस्ट करती नजर आएंगी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इसकी डिटेल्स शेयर की है। जरीन पूरे इंडिया की सैर करेंगी इस शो में। इस दौरान वो उन लोकेशंस पर जाएंगी जहां बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों शूटिंग की गई है। इस दौरान जरीन थ्री इडियट्स, जब वी मेट, बैंग बैंग और धड़क जैसी फिल्मों के शूटिंग सेट्स पर जाएंगी और उन फिल्मों के डायरेक्टर्स के साथ बात भी करेंगी।